आज जब राहुल जी अरुणाचल से दोबारा असम में प्रवेश किया, प्रवेश करने का तुरंत बाद इंडिया अलायंस बनने का पहले हम लोग ने असम में यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम असम, असम का 15 जो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है सबको लेके हमने एक फोरम बनाया था। वो फोरम का एक पार्टी प्रेजेंट नहीं था, बाकी 14 पार्टी का साथ राहुल जी का 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.5 घंटा असम का बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा हुआ। राहुल जी ने बहुत ध्यान से सारे नेताओं सारे पार्टी का जो एडवाइस है जो उन लोग ने बताना सारा वो अच्छा से सुना, 1.5 घंटा तक बातचीत हुआ। एक मिनट यार, खत्म करने दो, खत्म करने दो। यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम असम सबसे सुखी हूँ जे 1942 अगस्त महीना 9 अगस्त में गांधी जी ने मुंबई क्रांति मैदान में जो ऐलान किया था जे करेंगे या मरेंगे, वो करेंगे या मरेंगे ध्वनि हमारा गोहपुर में शहीद कनकलता और शहीद मुकुंद काकोटी ने गोहपुर थाना में ब्रिटिश थाना था उस समय, ब्रिटिश थाना में झंडा लहराने के लिए एक प्रोसेशन निकला था। जब प्रोसेशन जाके गोहपुर थाना पूछा तो वार्निंग दिया गया, जब आगे मौत आओ गोली मार देगा, लेकिन कनकलता ने वो बात नहीं माना। आगे गया तो कनकलता को ब्रिटिश पुलिस ने गोली मारा, गोली मार दिया। तो पीछे जो खड़ा था मुकुंद काकोटी उसने झंडा को पकड़ लिया, मुकुंद काकोटी को गोली मार दिया। तब आपको सुन के आश्चर्य होगा, उसमें था रामपोटी राजखुआ, उसने वो झंडा को पकड़ के पीछे से उठ के थाना पे लगा दिया। दो आदमी को जब असम में पुलिस ने गोली मारा उसी वक्त मुकुंद काकोटी का डेड बॉडी था, कनकलता शहीद हुआ, मुकुंद काकोटी शहीद हुआ, लेकिन रामपोटी राजखुआ फ्लैग लेके पीछे से थाना पे लगाए 1942 20 सितंबर। इस जगह पवित्र जगह में आज राहुल जी को, राहुल जी खुद गया, दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दिया, ये हमारा असम के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। अभी हम अपने देखा विश्वनाथ चारिआलि में 10:30 बजे तक हमारा एक भी आदमी नहीं पूछा, एक भी आदमी नहीं पूछ पाया। हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने जैसे तैसे कुछ लोगों को वहां ला सका, 60% आदमी को आने नहीं मिला। आज रास्ते में आप लोग को शायद मालूम होगा तो हर पंचायत में अभी सेक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। पिछले 8 साल में बीजेपी को असम का किसी महिला को याद नहीं है, इसलिए मैं सर ने संक्षिप्त में बोलने के लिए बोला। वो भी विश्वनाथ चारिआलि होके हम लोग सोटिया तेजपुर होके हम लोग काजीरंगा जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें कोलियाबोर हमारा एक विशाल कर्मी सम्मेलन है पूरा अपार असम से और 3 हिल डिस्ट्रिक्ट से। हमारा पार्टी का जितना कार्यकर्ता है वो सब लोग आएगा, मेरा यकीन है जो वो वहाँ पे जो कैपेसिटी है फील्ड का 50,000 का जो कैपेसिटी है वो फील्ड में आज जगह नहीं होगा, ऐसा मेरा यकीन है। ठीक है, और इसका सर ने सही बोला, हमारा चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी का साथ में एक साथ पार्टी में ज्वाइन किया 1993 में। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी इन कॉटन कॉलेज, आई वॉज जनरल सेक्रेटरी इन डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी। सेम डे वी बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ आसाम प्रदेश यूथ कांग्रेस। हम लोग एक दिन में ऑर्डर मिला था, एक दिन में ज्वाइन किया, 23 सालों कांग्रेस में था। उसका बहुत सारे ट्वीट और फेसबुक है जहाँ पे वो बोला था आई विल बी लॉयल टू सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी इन माई एंटायर लाइफ। तो ठीक है, आप कुछ वजह है अब वो बात नहीं रख सका, कम से कम आपने ट्विटर में जो ऐलान किया था जे आई विल बी लॉयल टू राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी इन माई एंटायर लाइफ, कम से कम आज से 25 तारीख तक तो लॉयल नहीं होना चाहिए। कम से कम रास्ता में इतना रुकावट मत कीजिए, रास्ता में इतना रुकावट मत कीजिए। उसने बोला
जे काल शंकरदेव थान राहुल जी नहीं जाना चाहिए, ये वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शंकरदेव जी कौन है आसाम के लिए? आसाम का भाषा साहित्य संस्कृति को जंगल काट के जिसने रास्ता आसाम का रास्ता बनाया था, भाषा साहित्य संस्कृति का रास्ता जिसने बनाया था, एक जमाना था आसाम में कामाख्या में बोली हुआ था, बोली विधान था, वो बोली विधान को जो असमिया असमी समाज में जो संस्कार, ये संस्कार जिसने दिया उसका थान में जाना चाहते हैं राहुल जी। तो ये क्यों ऐसे सीएम बोल रहे हैं जो नहीं जाना चाहिए, ये मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ। हमारा काल जो प्रोग्राम है, हम सुबह महापुरुष श्री श्री शंकरदेव का जन्म स्थान बटोडुआ में जाना चाहते हैं, इसके बाद हम मुरीगांव होके मेघालय जाके वहाँ मेघालय का कार्यक्रम शुरू होगा। न्याय का हक मिलने तक।